एक दिन बद्रीनाथ और मायरा कार से जा रहे होते हैं और अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों, और उन्हें कोई ना कोई कैसे ना कैसे हॉस्पिटल में पहुंचाता है दोस्तों। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और उनकी पिक्चर कुछ ऐसी है। तो दोस्तों अब आप देखकर इन पिक्चर में हमें बता सकते हैं कि किडनैपर कौन है। जल्दी आंसर को कमेंट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आप लोग इस किडनैपर को ढूंढ पाए? यहाँ पर दोस्तों ये किडनैपर ये लड़की है, क्योंकि आप लड़की के हाथ में देख रहे हैं एक चाकू है। इस चाकू से वो डराकर बद्रीनाथ को आगे लेकर जा रही है। इसका मतलब किडनैपर ये लड़की है। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर आई है, आप इस पिक्चर में देख के क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा कपल एक भूत है? अगर बता सकते हो तो जल्दी कमेंट कीजिए। दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर वाला कपल वो भूत है, क्योंकि आप देख सकते हैं सेकंड नंबर वाले कपल में पीछे पिक्चर में कुछ अलग ही एक्टिविटी हो रही है। इसका मतलब यही भूत है। दोस्तों एक बार एक किडनैपर बद्रीनाथ को और बुद्धदेव को कैद कर लेता है और बांध देता है और वहां पर बॉम्ब भी रख देता है। तो दोस्तों किडनैपर उसे कैद कर लेता है, लेकिन जैसे तैसे वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन किडनैपर कमरे को लॉक कर देता है बाहर से। तो दोस्तों अब वहां पर वो तीनों थे, बद्रीनाथ, बुद्धदेव और पुलिस, और साथ में टाइम बॉम्ब भी था। अब ये कैसे बचेंगे दोस्तों? अगर बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर को कमेंट कर दिया होगा। तो दोस्तों आप वहाँ पर नोट किया हो तो वहाँ पर एक गटर है दोस्तों, उस गटर का ढक्कन पुलिस वाला हटाएगा और उस बॉम्ब को उसके नीचे फेंक देगा और वो जमीन में जाकर फट जाएगा। इस तरह वो बच जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहली कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट पहली देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। दोस्तों इस पिक्चर में आपके सामने बद्रीनाथ खड़ा है और बद्रीनाथ की वाइफ है। इनमें से तीन में से एक बद्रीनाथ की वाइफ है जो रोबोट नहीं है। जल्दी बताइए इनमें से कौन सी वाइफ रोबोट नहीं है और वो बद्रीनाथ की वाइफ है? अगर बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर बड़ा ही सिंपल था, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एरो का सिंबल है। इसका मतलब ये मायरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब मायरा ही जो रोबोट नहीं है वो बद्रीनाथ की वाइफ है। दोस्तों आपका क्या कमेंट था हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।